नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाक अधिकृत कश्मीर को अपना हिस्सा बताने पर तिलमिलाया पाकिस्तान। पाक गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने कहा, कश्मीर को नजरअंदाज नहीं करेगा कोई पाकिस्तानी। बलूचिस्तान और बाल्टिस्तान में पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। पीओके में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। नेताओं ने पीएम मोदी के बयान पर ट्वीट कर कहा शुक्रिया। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार की याचिका। यूपी से बाहर केस चलाने की मांग। पिटीशन में यूपी पुलिस के अलावा किसी दूसरी एजेंसी से जांच कराने की अपील भी की। यूपी के बलिया में बवाल, पुलिस और स्थानीय लोगों की झड़प में एक की मौत। पुलिस पर गौ तस्कर बताकर बीजेपी कार्यकर्ता के उत्पीड़न के आरोप के खिलाफ जमा हुई थी भीड़। आगरा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया का कुत्ता कालू लापता। पत्नी ने दर्ज कराई पुलिस में रिपोर्ट। आजम खान की भैंस की तर्ज पर कुत्ता खोजने की मांग। कुत्ता ना मिलने पर दी आंदोलन की धमकी। मुंबई के किडनी रैकेट के आरोपी डॉक्टरों की आज होगी कोर्ट में पेशी। पूछताछ में सभी राजों से उठेगा पर्दा। मामले में दो और डॉक्टरों की हो सकती है गिरफ्तारी। रियो ओलंपिक में टेनिस में बड़ी पदक की उम्मीद। सानिया और बोपन्ना की जोड़ी मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।